नमस्कार दोस्तों, एमएस वर्ड में काम करते समय आपने कमांड के शॉर्टकट्स तो सुने ही होंगे, जैसे कॉपी, पेस्ट, अंडू, रिडू और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में हम कमांड के शॉर्टकट्स कैसे बनाते हैं और बहुत सारे लंबे लंबे शब्दों को हम कैसे आसानी से टाइप कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। एमएस वर्ड में काम करते समय सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब बहुत लंबे लंबे शब्दों को बार बार टाइप करना पड़ता है। इस समस्या से बचने के लिए एमएस वर्ड में एक फीचर दिया गया है, उसे कहते हैं ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट की हेल्प से आप बहुत लंबे लंबे शब्दों को आसानी से टाइप कर सकते हैं बिना कॉपी पेस्ट किए कुछ ही सेकंड में। जैसा कि यहाँ पर मान लीजिए मुझे यहाँ पर बार बार टाइप करना पड़ता है कपिल इनाणिया, देन मैं यहाँ पर इस वर्ड को बार बार टाइप न करके इसका शॉर्टकट बना लेता हूँ। तो इसका शॉर्टकट बनाने के लिए हमारे को सबसे पहले फाइल ऑप्शन में जाना होगा, देन यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। देन आपके सामने कुछ इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, देन आपको प्रूफिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर है प्रूफिंग का ऑप्शन, देन इसके सामने ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर है ऑटो करेक्ट का ऑप्शन, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, यहाँ पर काफ़ी सारे वर्ड और सिंबल के पहले से शॉर्टकट्स बने हुए हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क हो गया, स्टार हो गया, अबाउट हो गया, अबाउट द हो गया। तो हम एक नए वर्ड का शॉर्टकट बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपको पहले इस ब्रैकेट में लिखना है जो शॉर्टकट आप बनाना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ के स्टार नाम का शॉर्टकट, और उस शॉर्टकट का नाम होगा, और किसके लिए शॉर्टकट बना रहा हूँ मैं, ये कपिल इनाणिया नाम का वर्ड है मेरे पास एक, जिसको मैं मेरे डॉक्यूमेंट में बार बार यूज कर रहा हूँ। तो आप उसका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करते ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा वो शॉर्टकट ऐड हो चुका है, देन ओके पर क्लिक करना है, देन अगेन ओके पर क्लिक करना है। हमने वहाँ पर के स्टार नाम का एक शॉर्टकट बनाया था, तो मैं यहाँ पर के लिख के स्टार टाइप करता हूँ, जैसे ही हमारे पास वह वर्ड टाइप हो गया है जिसका हमने शॉर्टकट बनाया था। तो हम यहाँ पर एक और वर्ड का शॉर्टकट बना लेते हैं, जैसे कि दिस इज जावा। तो मैं यहाँ पर इस वर्ड का शॉर्टकट बनाता हूँ, तो सबसे पहले मैं इस वर्ड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि मेरे को इस वर्ड का शॉर्टकट बनाना है, देन अगेन फाइल के ऑप्शन पर जाना है, देन ऑप्शंस पर, देन प्रूफिंग एंड ऑटो करेक्ट ऑप्शन, एंड यहाँ पर मेरे को यहाँ पर हमारे को वह नाम लिखना है जो हम शॉर्टकट बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जे स्टार नाम से एंड एड। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारा शॉर्टकट एड हो चुका है जे स्टार नाम से, देन ओके पर क्लिक करना है, देन अगेन ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा वो शॉर्टकट बन चुका है। तो जैसे ही मैं जे स्टार टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिख रहा है दिस इज जावा, जैसे ही मैं के स्टार टाइप करता हूँ यहाँ पर लिखा आ रहा है कपिल इनाणिया। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से लंबे लंबे शब्दों का शॉर्टकट्स बना सकते हैं। इस ट्रिक से आप अपने काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए।